कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो एक्सप्रेस 3.8 रेक्रिन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ये 8 के ऊपर बार है, इसका मतलब 8 यहाँ पर बार बार रिपीट होगा, 3 रिपीट नहीं होना, 3 पॉइंट के पहले है और 8 पॉइंट के बाद है, तो 8 बार बार रिपीट होगा, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं और लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू 3.8 और इसके ऊपर ये बार, और या फिर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 3.888 सो ऑन, है ना, ये डॉट 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 लगा दिया हमने, तो सो ऑन, ये मतलब कि ये बार बार रिपीट हो रहा है और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लिखेंगे, अब देखिए सिर्फ एक डिजिट 8 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो 8 एक डिजिट जब बार बार रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 वी हैव, अगर हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है, क्या मिलता है, 10x इक्वल टू 38.888 और ये ऐसे सोन, और इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे 2। कारण क्या है कि जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहां से जंप करेगा और एक डिजिट इधर की तरफ आ जाएगा। अब सेम लिखना है सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड वी हैव, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू 38.888 डॉट डॉट, और यहां पे लिखा हमने x इक्वल टू 3.888 ऐसे माइनस करेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पे 10x में से एक x माइनस होगा तो बचेगा 9x, और इधर क्या हो जाएगा 8 में से 8 जीरो जीरो जीरो, और ये पॉइंट पॉइंट के बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 8 में से 3 माइनस होगा तो ये बचेगा 5 और ये इधर बच गया 3, तो 35, तो x इक्वल टू हो जा रहा हमारा 35/9 और ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।